हाय दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम यहाँ पे देखेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी बोर्ड में जितने भी साल अभी आने वाला भी साल है ना, कोई भी साल में इससे बढ़ के क्वेश्चंस नहीं आ सकती है, क्योंकि इसमें हर एक पॉसिबल क्वेश्चन ले लिया गया है। ऑलमोस्ट पता है कितना क्वेश्चन अभी यहाँ पे तैयार करके लिए आपके लिए लाए हैं, 49 क्वेश्चन, यानी 50 ऑलमोस्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे करवाने वाले हैं इस चैप्टर से। अभी तक का हाईएस्ट क्वेश्चन, मतलब ऑल क्वेश्चंस यहाँ पे पॉसिबल, हर क्वेश्चंस को ले लिया गया है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी से मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, सभी क्वेश्चंस इसी से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे जितना भी बनाना था एक्स्ट्रा, वो सारा चीज़ भी बन के सारा चीज़ रेडी है ना। एक एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से करवाएंगे। जो भी बच्चे कहीं और से भी पढ़े होंगे ए पिंच ऑफ स्नफ के ऑब्जेक्टिव वगैरह, तब भी इस क्लास को देखिए, आपको काफ़ी सारे नए क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखे होंगे बोर्ड अक्सर क्या करता है, कुछ नया क्वेश्चन बना के बीच लाइन में से दे देता है। तो लाइन से जो क्वेश्चन बनाएगा ना, वो भी क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले चुके हैं, ताकि बोर्ड बनाए तो सही, हम लोग हर चीज़ करके रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अच्छे से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सभी लोग को एक मिनट का समय देते हैं, जल्दी से शेयर कर लीजिए क्लास को, और एक मिनट के अंदर हम इस क्लास को अच्छे से शुरू करेंगे। तो शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से फटाफट, एक मिनट का हम समय दे रहे हैं, ठीक है। एक मिनट में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट के अंदर आपका ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सो इससे पहले आप जो है जल्दी जल्दी फटाफट शेयर वगैरह कर लीजिए सभी लोग, और अच्छे से तैयार हो जाइए यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। कोशिश करना है सारे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से सही सही बनाए। चलिए तो क्या जाए शुरू, जल्दी से एक बार बोलिए। ओके, तो ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बाबू ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। ए पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी नोइस या एक चुटकी खैनी, ठीक है। नानू काका को आदत था ये स्नफ खाने का, ठीक है, एक खैनी खाने का आदत था, ठीक है। इसमें इसके राइटर जो हैं अपने को पता है कि मनोहर मालगुनकर जी हैं, ठीक है, मनोहर मालगुनकर जी, जिनको हम शॉर्ट में एमएम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है बेसिकली अपने पास जो बोला जाए तो इसमें एक नानू काका है, ठीक है, एक नानू काका है। उन्हीं नानू काका के बारे में आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। नानू काका जो हैं कौन लगते हैं बेसिकली, ये इनके मामा लगते हैं बेसिकली, ठीक है, मामा मामा का यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है। अब जो है बात करें, ठीक है, बात करें तो नानू काका जिस लेवल का झूठ बोलते थे, वही झूठ के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। चैप्टर हम अच्छे ढंग से पढ़ा चुके हैं, तो सिंपल सी बात, आप यूट्यूब पर सर्च करना एजुकेशन बाबा, ठीक है, एजुकेशन बाबा ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ, और आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा लाइन बाय लाइन वीडियो वाला, ठीक है। लाइन बाय लाइन एक एक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक में जो चीज़ है वो चीज़ अच्छे ढंग से बताए हुए, पूरा चैप्टर पढ़ाए हुए, एक्सप्लेन हिंदी में किए हुए हैं। अब यहाँ पे बारी आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, है ना। तीसरा चैप्टर है एमसीक्यू, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, फटाफट सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए आंसर क्या हो जाएगी। क्वेश्चन में देखिए क्या है, हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, ठीक है। कौन जो है दिल्ली आ रहे थे, कौन जो है दिल्ली आ रहे थे कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। मिनिस्टर्स का मतलब क्या होता है, मंत्री, ठीक है। कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए कौन आ रहे थे बताओ जल्दी से, फटाफट सब लोग जवाब दीजिए, है ना। अच्छे ढंग से एकदम उत्साहपूर्वक इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और एकदम सारे प्रश्न को बनाने का कोशिश करिए। अब देखिए सबसे पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि नहीं, इन सारे जितने भी नए प्रश्न भी आज हम लोग यहाँ पे करवाने वाले हैं, वो सारे प्रश्न को आपको देखने को आप में इच्छा होनी चाहिए, तभी आप इतने क्वेश्चंस को कर पाओगे, है ना। नहीं तो मतलब ऐसे हो कि ठीक है, मतलब जहाँ से कहीं से पढ़ रहे हैं तो तब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सही में जेन्युइनली अगर आप चाहते हो कि अपने एग्जाम में टॉपर बने या फिर अच्छा मार्क्स लाए, तो आप हर चीज़ों को डेप्थ में पढ़ा करो, और वही डेप्थ में पढ़ाने का काम मेरा है। और हम आपको देखिए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आज आपको एक क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अपने पास सवाल यहाँ पे क्या आई, सवाल अपने पास यहाँ पे आई कि दिल्ली कौन आ रहे थे, ठीक है, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। तो देखो
दिल्ली आ रहे थे नानू काका, ठीक है, नानू काका आ रहे थे दिल्ली मंत्रियों से मिलने के लिए। और जैसे कि आप लोग का जवाब हम देख पा रहे हैं कमेंट में, है ना, सब लोग का यहाँ पे सी जवाब आ रहा है, बिल्कुल आप लोग का आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली, ठीक है, इन विच सीजन, किस मौसम में, ठीक है, सीजन का मतलब मौसम, किस मौसम में जो है नानू काका दिल्ली आते हैं, किस मौसम में नानू काका दिल्ली आते हैं। तो देखो, वो आते हैं दिल्ली क्यों आते हैं, कुछ जो है उनको मिनिस्टर से मिलना था, ठीक है, मिनिस्टर से मिलना था। और वो किस मौसम में आते हैं, तो वो आते हैं कैसा, गर्मी के मौसम में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी में, तो वो समर के मौसम में, बोले तो समर सीजन में वो दिल्ली आते हैं। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हम लोग के पास डी आंसर करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपने पास डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, थर्ड नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालगुनकर, ठीक है, मनोहर मालगुनकर जी का इसमें से कौन सा काम नहीं है, बेसिकली इसमें से कौन सा रचना है जो मनोहर मालगुनकर जी का नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे फटाफट सभी लोग जवाब दे रहे हैं, दो नंबर क्वेश्चन का सब लोग डी बताए हैं, ठीक है, बहुत सही है। ठीक है, अभी तीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालगुनकर, मनोहर मालगुनकर जी का इनमें से कौन सा काम नहीं है। तो देखो, अपने पास जो है ना क्या है, डिस्टेंट ड्रम, ये मनोहर मालगुनकर जी का है, तो ये तो अपने पास ऑप्शन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, बॉम्बे विवियर, ये भी मनोहर मालगुनकर जी का है, ये भी द प्रिंसेस, ये भी अपने पास द प्रिंसेस, तो ये भी अपने पास क्या है, मनोहर मालगुनकर जी का है, लेकिन पूछा जा रहा है नॉट द वर्क, ठीक है, नॉट द वर्क, ठीक है, नहीं है, तो ये लिप्स द टू लिप्स एंड वर्ड्स जो है ये मनोहर मालगुनकर जी का नहीं है, इसलिए हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग का भी जवाब यहाँ पे बी है, जो भी बच्चे इधर उधर आंसर दे रहे हैं थोड़ा सोच समझ के दीजिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश स्टोरी, ए पिंच ऑफ स्नफ तो हम लोग जानते हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कैसा है, क्या है बेसिकली, तो इसमें से वो कॉमिक है, एडवेंचरस है, ठीक है, या फिर ट्रेजडी है, नहीं, वो कॉमिक है और ऑरेंटेरस है। ठीक है, एक तरीके से देखो कॉमिक तो उसमें है ही, थोड़ा बहुत मजाक मस्ती तो है ही, साथ ही साथ साहस भी उसमें दिखाया गया है, किसका, साहस के बारे में भी बात किया गया, बेसिकली उसमें साहस दिखाया गया है, मनोहर मालगुनकर जी उनके जो मामा जी हैं नानू काका किस कदर झूठ बोलते हैं, और इतना मतलब एकदम बोले तो इस कदर बोलते हैं जैसे मतलब उनका साहस वहाँ पे परिचय हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन और सी अपने पास करेक्ट आंसर। द राइटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ वाज एन डैश ऑन प्रोबेशन, ठीक है, जो राइटर है पिंच ऑफ स्नफ के, ठीक है, यानी राइटर कौन है, मनोहर मालगुनकर जी। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ में जो है वो बेसिकली क्या है, क्या है, ऑन प्रोबेशन मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग के रूप में, एक तरीके से निरीक्षण के रूप में, वो जो है क्या है, वो एक अंडर सेक्रेटरी है, क्या है, अंडर सेक्रेटरी है। ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे फाइव का सी आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए लगातार हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर इंग्लिश का गेस्ट पेपर कब तक लाइएगा, तो इंग्लिश का गेस्ट पेपर बन रहा है, तैयार कर रहे हैं, है ना। देखो मेरा काम है 100% आंसर सही वाला गेस्ट पेपर ला के देना आपके पास, है ना, तो अभी बस बना रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे काम चल रहा है ना, लेकिन जल्दी लाएंगे, बहुत जल्द, वेरी सुन लाएंगे, और 100% सही आंसर सब में रहेगा उसमें, तो अभी हिंदी और इंग्लिश का गेस्ट पेपर आपको खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम है ना सब कुछ तैयार करके दे देंगे। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट का लीजिए, लेकिन अभी हिंदी इंग्लिश का एकदम रुक जाइए, हिंदी इंग्लिश में बेस्ट दी बेस्ट आपको देंगे। अपने पास है हु हैज़ बीन वेरी लॉयल टुवार्ड हिज साइड ऑफ फैमिली, ठीक है, हर साइड ऑफ फैमिली, कौन जो है अपने परिवार के लोगों के अपने परिवार के तरफ के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थे। ठीक है, वफादार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉयल का मतलब वफादार, ठीक है, वफादार, बहुत ही ज़्यादा वफादार थे अपने परिवार, अपने तरफ के परिवार के लोगों को। तो माँ का जो होता है, मदर जो बात करोगे, ठीक है, मदर जो बात करोगे, तो मदर का दो तरफ उसका होता है, एक जहाँ पे वो बचपन बचपन बिताई रहती है, ठीक है, बचपन में जहाँ पे उसका घर था, और एक जो है एक तरीके से बोले तो जहाँ पे अपने लोग हैं। ठीक है, मान लो अपने पे वो ले लो, तो जहाँ पे अपने लोग हैं, ठीक है, अपना घर, तो यहाँ पर भी हैं, और इन माँ के तो यहाँ पे भी सब लोग हैं, अब मान लो बेटा है, उनके पति हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, तो ये हो गए, बेटी है, तो ये सारा ये घर है, लेकिन माँ जो है ना इस घर के प्रति वफादार तो रहती है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ पे उनका बचपन बीता है वहाँ के लोगों के प्रति भी वफादार थे। तो स्पेशली अभी जो है नानू काका आने वाले थे इसके यहाँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्चुअली में तो वफादार तो रहेगी ही, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगा मदर जो है ये, ठीक है, वेरी लॉयल टुवार्ड हर साइड ऑफ फैमिली, तो ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है,
अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन पर देखो, ऐसे भी बच्चे होंगे जो लोग करके रखे होंगे इस सब चीज़ों को, लेकिन यहाँ से क्या होगा ना कि आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, इसको देखोगे तो देखने से ही आपको ऑलमोस्ट याद हो जाएगा। ठीक है, नानू काका वास टू स्टे 4 days, नानू काका कितने दिन रुकने वाले थे। ठीक है, कितने दिन रुकने वाले थे नानू काका, कुल मिला के बोले तो कितने दिन रुकने वाले थे। तो नानू काका बोलते हैं कि वो बेसिकली मैक्स टू मैक्स 2 to 3 days, ठीक है, 2 or 3 days यहाँ पे मैक्स टू मैक्स रुक सकते थे दिल्ली में। ठीक है, वो कहाँ से आ रहे थे, तो वो आ रहे थे महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से आ रहे थे, कहाँ पे, दिल्ली आ रहे थे। ठीक है, दिल्ली आ रहे थे। ठीक है, तो वो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे जो आए थे तो 2 to 3 days, ठीक है, मैक्स टू मैक्स वो रुक सकते थे। वो आए किस लिए थे दिल्ली, तो मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टर्स के मिलने के लिए। ठीक है, मिनिस्टर्स से मिलने के लिए 2 से 3 दिन मैक्सिमम वो रुक सकते थे दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। ठीक है, कौन जो है अंडर सेक्रेटरी, यानी अंडर सेक्रेटरी आपको पता है कौन है, मनोहर मालूमकर जी, MM। ठीक है, मनोहर मालूमकर जी हैं, तो कौन मनोहर मालूमकर जी को इन्फॉर्म करते हैं कि नानू काका बेसिकली आने वाले हैं। ठीक है, नानू काका के विजिट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली कौन बताते हैं, तो देखो सुबह सुबह हुआ ही था, माँ अनाउंस करती है, माँ एक तरीके से घोषणा करती है, एक तरीके से बोलती है कि जल्दी जल्दी सब रेडी हो जाए, इस तरीके से कि आज जो है मामा आने वाले हैं, नानू काका आने वाले हैं, है ना। बस लेखक बड़ा शौक हो जाते हैं, नानू काका क्यों आएंगे, है ना। तो ये अनाउंस कौन करते हैं, तो माँ अनाउंस करती है। ठीक है, मदर, तो ऑप्शन हमारा अपने पास सी हो जाएगा। नानू काका वाज द नैरेटर्स डैश, नानू काका जो है नैरेटर के क्या है, तो देखो एक है मनोहर मालवणकर जी, ठीक है, एक है इनके मदर, ठीक है, एक है इनके मदर, अब एक है नानू काका। नानू काका, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि ये तो देखो, मतलब ये क्या है, माँ है, ठीक है, माँ बेटा का संबंध, यहाँ पे भाई बहन का संबंध हो जाएगा, यहाँ पे भाई बहन का संबंध हो जाएगा, मतलब ये जो है मनोहर मालूमकर जी के माँ का भाई हुआ नानू काका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएंगे, मामा भगना का यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैटरनल अंकल हो जाएगा, ठीक है, मैटरनल अंकल, तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नंबर अपने पास ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना अच्छा से देखो क्लियर करते हैं कि क्या रिलेशन है इसके बीच में। होप सो ये सब चीज़ आपको याद रहेगा अच्छे से एग्जाम तक। चलो आगे बढ़ते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन, हु वाज द वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन कैम इन। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे एक तरीके से कौन इंतजार कर रहे थे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक तरीके से नानू काका के ट्रेन पे आने का, तो ये इंतजार कर रहे थे नैरेटर मनोहर मालूमकर जी। सुबह सुबह होता है, माँ बोलती है कि बेटा जल्दी से जाओ, नानू काका को लेके आओ, तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं। बेचारे मनोहर मालूमकर जी ना चाहते हुए भी इनको स्टेशन जाना पड़ा और नानू काका को लेके आना पड़ा, है ना। तो ऑप्शन हमारा अपने पास बी हो जाएगा, यानी नैरेटर, नैरेटर का मतलब एक तरीके से नैरेट करने वाले, ठीक है, जो इसको नैरेट किए हैं, जो एक तरीके से इसको लिखे हैं, ठीक है, वो तो कौन लिखे हैं, तो मनोहर मालूमकर जी। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया, अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल में अपने पास है, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ के मेन कैरेक्टर में कौन थे। तो देखो एक तो मनोहर मालूमकर जी अपने पास किरदार में है, एक जो है हम लोग को दिखा कि नानू काका किरदार में है, ठीक है, नानू काका किरदार में है, कैरेक्टर इनका है, ठीक है। उसके बाद अपने पास कैरेक्टर में और कौन कौन है, और है कौन, और कुछ लोग हैं अपने पास, कौन है और अपने पास हैं, सोहन लाल है, ठीक है, सोहन लाल है, लाल है वेलफेयर मिनिस्टर है, वेलफेयर मिनिस्टर है, ठीक है। उसके बाद अपने पास बरकत अली है, ठीक है, रति राम है, रति राम है, धोबी है, ठीक है।
ये सब है, अभी और कुछ कुछ कैरेक्टर है ठीक है। इस सब में जो मेन कैरेक्टर में बात करोगे, मेन कैरेक्टर में मुख्य पात्र में, तो ये नानू काका मुख्य पात्र में, इन्हीं के ऊपर तो है, ये हो गए मेन कैरेक्टर में ठीक है। मेन रोल में अगर बात करोगे तो मेन रोल में अपने पास नानू काका ही है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि आप लोग का जवाब भी यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, अरे चुट्टा कुछ कौन वेलफेयर मिनिस्टर बोला है, अच्छा चलो यहाँ पे अपने पास नानू काका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नानू काका बिलोंग्स टू डैश, नानू काका कहाँ से थे, तो आपको पता था, पता होगा कि ये महाराष्ट्र से आ रहे थे, कहाँ पे, दिल्ली आ रहे थे ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि कहाँ से वो थे, बिलोंग्स टू, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी का सी करेक्ट आंसर। और जब भी ये जो है ना, जैसे दिल्ली आए थे, तो कभी भी इनको गुस्सा उठता था तो ये अपना मदर टंग में चले जाते थे, अपने मराठी लैंग्वेज में कुछ कुछ गाली वगैरह बकने लगते थे ठीक है नानू काका, तो ऑप्शन नंबर अपने पास सी करेक्ट आंसर। 13वां क्वेश्चन में देखिए अपने पास क्या है, नानू काका ब्राउट ए डैश विथ हिम ठीक है। नानू काका अपने साथ क्या लाए थे, तुरंत पकड़ा भी दिए थे किसको, मनोहर मालगुनकर जी को, कि लो जाओ इस लेकर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सब अभी तक क्लियर। चलो इसी तरीके से सारे प्रश्नों को अभी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखो नानू काका अपने साथ क्या चीज़ लाए थे, अपने साथ वो लाए थे एक किटन, एक क्या लाए थे, बिल्ली का बच्चा लाए थे, और तुरंत उसको मनोहर मालगुनकर जी को पकड़ा देते हैं, लो इसको और बाहर प्लेटफॉर्म के बाहर हमसे मिलो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चैप्टर जो भी बच्चे पढ़े होंगे उनको एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, चैप्टर हम इन डेप्थ पढ़ाए हुए हैं पूरा डेप्थ में, मतलब आप एक वीडियो को देख लोगे पूरा चैप्टर क्लियर, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे दिए हैं पूरे लाइन बाय लाइन जो पढ़ाए हैं उसका ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन दी डोरवे ऑफ डैश क्लास कैरेज ठीक है। नानू काका जो खड़े थे, ट्रेन के जो अलग अलग बॉगी होता है ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास है ना, ये सब होता है क्लास, तो ये किस क्लास के डोरवे पे खड़े थे, ये खड़े थे सेकंड क्लास के डोरवे पर ठीक है, ये सेकंड क्लास के डोरवे पे खड़े थे। और पूछा जाएगा नानू काका का कौन से क्लास का टिकट था, तो थर्ड क्लास का ठीक है, थर्ड क्लास का इनके पास टिकट था ठीक है, टिकट भी थर्ड क्लास का था, लेकिन ये थे डोरवे पे किस क्लास का, तो सेकंड क्लास के ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पे आइए, हु ऑफ्टन टेक ए पिंच ऑफ स्नफ फ्रॉम दी सिल्वर बॉक्स, कौन जो है सिल्वर बॉक्स से अक्सर ठीक है, ऑफ्टन मतलब एक तरीके से अक्सर ठीक है, कौन अक्सर सिल्वर बॉक्स से बोले तो ठीक है, चांदी के जो एक तरीके से बॉक्स जो थे उससे कौन बार बार खैनी निकालते थे, स्नफ निकालते थे, नॉइस निकालते थे, तो ये निकालते थे, आदत था मनोहर ये नानू काका का ठीक है, मतलब एक तरीके से वो एक तरीके से बोले वो सिल्वर बॉक्स से निकाले खाए नहीं, उसको एक तरीके से लिए खाए, अंगोछा में हाथ पोछे है ना, उंगली वगैरह पोछे और एकदम मस्त सो गए, ऐसा उनका काम रहता था ठीक है, मतलब उनका खैनी वगैरह खाने का बहुत आदत था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, हु वाज रतिराम ठीक है, रतिराम कौन है, हु वाज रतिराम ठीक है, तो रतिराम कौन है, तो रतिराम आपको पता होगा कि ये जो है मनोहर मालगुनकर जी के साथ ही एक ही मिनिस्ट्री में काम करता था ठीक है। और साथ ही साथ बात करोगे तो ये जो है सोहन लाल जो था उसका बेटा भी था ठीक है, सोहन लाल का बेटा भी था ठीक है, यानी ये हुआ अपने पास सोहन लाल रतिराम ठीक है, ये इसका पूरा नाम है सोहनलाल रतिराम, इसका बेटा कौन हुआ, इसका बेटा हुआ रतिराम, या सोहनलाल बोले तो सोहनलाल का बेटा का नाम रतिराम ठीक है। सोहनलाल अपने को क्या था, ये पार्टी बॉस था, क्या था, पार्टी बॉस था, कहां से, तो दिल्ली में ठीक है, दिल्ली का वो पार्टी लीडर था, पार्टी बॉस था ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल पे, सोहन लाल रतिराम इज एन डैश इन दिल्ली, वो दिल्ली में क्या था? तो अभी जस्ट ही आपको बताया है कि वो जो है क्या था, पार्टी बॉस था, ठीक है, पार्टी बॉस था, ऑप्शन और अपने पास सी करेक्ट आंसर, ठीक है, पार्टी का मेन आदमी था। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नानू काका ऑफ्टन यूज टू वियर ए डैश कोट, नानू काका अक्सर कौन सा जो है कोट पहना करते थे? तो नानू काका ना जैसे ट्रेन से आए भी थे तो एक तरीके से वो ना जोधपुरी कोट बेसिकली वो अक्सर पहनते थे, कौन सा कोट, जोधपुरी कोट, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू डैश, जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होता है उस स्थिति को लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहते हैं, जिस स्थिति में मतलब एक तरीके से बोले तो मतलब हमारे पास शब्द कम पड़ने लगते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। तो वैसे स्थिति में नानू काका टर्न हो जाते थे अपने मातृभाषा में, ठीक है, मराठी भाषा में, वो बेसिकली महाराष्ट्र से थे इसलिए उस भाषा में चेंज हो जाते थे, और नहीं तो नॉर्मली हिंदी बोलते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल को हम लोग अच्छे ढंग से करेंगे, ठीक, 19 तक हो गया है, 20 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या है, हु इज द एम्बेसडर इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है इसमें एम्बेसडर कौन है, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन नया, तो एम्बेसडर कौन है, तो एम्बेसडर अपने लोग को पता है बरकत अली है, ठीक है, बरकत अली है ये एम्बेसडर है, और सोहनलाल चाहता था कि उसका बेटा जो है रतिराम वो उसके यहाँ काम करे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि रतिराम के कान में कोई पॉइजन भर दिया, एक तरीके से बोले तो इसके कानों में कुछ उल्टा सीधा कोई सिखा दिया। नानू काका है जो यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश, नानू काका के पास एक बोले तो मतलब यूनिक एक तरीके से काफ़ी जो है खूबी, एक मतलब एक तरीके से अद्वितीय खूबी है, ठीक है, ऑफ टेलिंग डैश, क्या चीज़ कहने का, तो झूठ कहने का, ठीक है, लाई, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ, कहोगे भैया ये सब कैसे हुआ, झूठ का मतलब होता है लाई, हाँ, टेलिंग लाई, जॉनी जॉनी यस पापा, टेलिंग लाई नो पापा, है ना, कि झूठ बोल रहे हो, नहीं पापा, है ना, ऐसे इंग्लिश में बचपन में पढ़े होंगे, वही लाई का मतलब झूठ है, ठीक है। नानू काका के पास बहुत ज़्यादा यूनिक क्वालिटी था, बहुत ही अच्छे तरीके से झूठ बोल लेते थे, ऐसा कि सामने वाले को पता भी नहीं चले, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, यहाँ पे व्हाट डज प्रोबेशन मीन्स, प्रोबेशन जो है ये प्रोबेशन का क्या मतलब है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो प्रोबेशन का बेसिकली मतलब क्या है, तो देखो प्रोबेशन का यहाँ पे मतलब है क्या चीज़, ठीक है, प्रोबेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, प्रोबेशन का मतलब होता है ऑन ट्रेनिंग, क्या चीज़, ट्रेनिंग में, ठीक है, परीक्षण में, ऑप्शन नंबर एक तरीके से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मिनिस्टर्स आर रिगार्ड एज ए डैश स्टेप हायर, देखो मनोहर मालगुनकर जी जो थे, ठीक है, मनोहर मालगुनकर जी बोले तो ये अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है, क्या थे, अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है, ठीक, तो इनको सिखाया गया था जब ये ट्रेनिंग पे थे, प्रोबेशन पे थे, इनको सिखाया गया था जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, या लीडर होते हैं, लीडर होते हैं, ये होते हैं दो स्टेप हायर, भगवान से दो स्टेप हायर होते हैं, और सेक्रेटरी जो होते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं वो होते हैं वन स्टेप हायर, ठीक है, वन स्टेप हायर होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स दो स्टेप हायर होते हैं, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि भगवान से भी दो कद बढ़ के होते हैं मिनिस्टर्स, क्योंकि वो लोगों से महीनों हफ्तों तक नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो यानी दो कदम अपने पास हो जाएगा, टू स्टेप हायर, ठीक है, ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द नरेटर्स एंड द सन ऑफ डैश वर्क इन द सेम मिनिस्ट्रीज, ठीक है, जो नरेटर हैं यानी मनोहर मालगुनकर जी जो हैं, ठीक है, और किसका बेटा जो है, किसका एक बेटा जो है, ठीक है, किसका बेटा जो है वो सेम मिनिस्ट्री में काम करता था, तो आपको अभी जस्ट बताए थे कि सोहनलाल का जो बेटा है रतिराम, ठीक है, तो वो जो है नरेटर के साथ यानी मनोहर मालगुनकर जी के साथ काम करता था, तो क्या यहाँ पे क्या लिखा जाए, तो ये सोहनलाल, ठीक है, अपने पास सोहनलाल हो जाएगा, सोहनलाल का बेटा और नरेटर यानी मनोहर मालगुनकर जी साथ एक मिनिस्ट्री में, एक मंत्रालय में काम करते हैं। व्हाइल वी अराइव्ड नानू काका वाज गागलिंग, ठीक, सॉरी, व्हेन वी अराइव्ड, जब हम लोग पहुंचे तो सोहनलाल वाज गागलिंग डैश इन द नेक्स्ट रूम, तब सोहनलाल जो है गागलिंग कर रहा था, ठीक है, गुलगुला कर रहा था, क्या चीज का, बगल वाले रूम में क्या चीज का गुलगुला कर रहा था, तो गागलिंग ये कर रहा था हुक्का का, ये क्या बैठ के ये हुक्का का हुक्का गुरगुरा रहा था, ठीक है, बोले तो हुक्का जो पी रहा था बगल वाले रूम में, ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं,
ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। चलो आ जाओ 26 नंबर पे। हु रिटर्न द प्रपोजल फॉर हर डॉटर टू मैरी सोहन लाल सन। ठीक है, हु रिटर्न द प्रपोजल फॉर हर डॉटर टू मैरी सोहन लाल सन। ठीक है, एक तरीके से कौन जो है अपने बेटी का रिश्ता एक तरीके से मना कर देते हैं। ठीक है, प्रपोजल फॉर हर डॉटर मतलब अपने बेटी के लिए आए रिश्ते को ठुकरा देते हैं। ठीक है, जो सोहन लाल के बेटी से शादी, बेटे से शादी करना था। ठीक है, ये जो है अपने पास सोहन लाल, ठीक है, सोहन लाल बोलता है कि इसका एक बेटा है। ठीक है, इसका एक बेटा है, ये बोलता है कि आप जो है मतलब अपनी जो है बेटी जो है आपका, ठीक है, आपका जो बेटी है बेटी से मेरे बेटे का शादी कर लीजिए। तो ये जो आदमी है ये आदमी ठुकरा देता है कि नहीं ऐसा रिश्ता नहीं कर पाएंगे। कौन ठुकराता है, ये आदमी कौन है पता है, वेलफेयर मिनिस्टर है। ठीक है, वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। ठीक है, वेलफेयर मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्याण मंत्री इसको ठुकरा देता है कि नहीं सोहनलाल आपके बेटे के साथ मेरी बेटी का शादी नहीं होगा, है ना ऐसा। तो ये हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन और अपने पास सी हो जाएगा, वेलफेयर मिनिस्टर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्या है, द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स द डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंसेस ऑफ डेस। जैसे वहां पे सोहन लाल रत्न को बोल दिया कि नहीं तुम्हारे बेटा रतिराम से मेरे बेटी का शादी नहीं होगा, वेलफेयर मिनिस्टर बोला। तो वेलफेयर मिनिस्टर जो है अपनी बेटी का शादी फिर किससे करना चाहा, तो वो महाराजा कहाँ के, किसके महाराजा से, कहाँ के महाराजा से, तो निन्नौर का महाराजा जो था, निन्नौर जो है स्टेट है वहाँ के महाराजा से शादी करने का फिक्स किया। ठीक है, बात किया, ठीक है, अपने बेटे का शादी नहीं, तुम्हारे बेटा नरति राम से नहीं करेंगे, एक राजकुमार से शादी करेंगे, निन्नौर के राजकुमार हैं उनके उनके साथ शादी करेंगे। ऑप्शन और डी करेक्ट आंसर। आफ्टर विजिटिंग सोहनलाल नानू काका वाज अगेन रेडी टू विजिट डैस। सोहनलाल के यहाँ से आने के बाद, सोहनलाल के यहाँ पे पहले जाते हैं, ठीक है, नानू काका, और वहाँ से आते हैं, उसके बाद किसके यहाँ जाने के लिए वो तैयार होते हैं कि चलो अब किसके यहाँ, तो वो वेलफेयर मिनिस्टर्स के यहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, कि अब चलो वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ। अगला सवाल, हु टर्न टू टू ए लेवियर चौफर। ठीक है, लेवियर चौफर का मतलब क्या होता है पता है ना, एक अच्छा पोशाक। ठीक है, अच्छा पोशाक पहने ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर, एक अच्छा पोशाक पहने ड्राइवर। ठीक है, तो एक तरीके से नरेटर को ही ड्राइवर बनाया जाता है। ठीक है, सारा पोशाक वगैरह पहना के। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज। नानू काका एक चेक लिखते हैं, याद रखिएगा, नानू काका एक चेक लिखते हैं। ठीक है, 1000 रुपये का। ठीक है, और मनोहर वालुंकर जी को बोलते हैं, अरे मनोहर तुम अपना धोबी को बुला। ठीक है, तुम अपना धोबी को बुला। ठीक है, बोलते हैं और क्या करते हैं, कुछ कुछ इसको सिखलाते हैं और कहते हैं इनको ये अपना कोर्ट में, ये 1000 रुपया कोर्ट में रख देते हैं। ठीक है, कोर्ट में रख देते हैं और कोर्ट धोबी को दे देते हैं, लो। उसके बाद कांड होता है इसका, बहुत बहुत अच्छा है इसका, मतलब इस तरीके से कहानी है, मतलब आप जब सही में पढ़ोगे ये चैप्टर या पढ़े होगे तो आपको ये सब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, है ना। चलिए उसी तरीके से 1000 रुपये का वो लिखे, अपने लिए ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर। आफ्टर राइटिंग चेक नानू काका टोल्ड मी टू कॉल माई डैस। देखो जब वो चेक लिखते हैं, कितने का चेक लिखते हैं, तो चेक लिखते हैं 1000 रुपये का, आपको पता चल गया। तो उसके बाद नानू काका जो है मतलब हमें किसको बुलाने कहते हैं, कॉल किसको करने के लिए कहते हैं, धोबी को। किसको, धोबी को कॉल करने के लिए कहते हैं, किसको, धोबी को। ऑप्शन और अपने पास डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अपने पास क्या हो जाएगी, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लगातार अभी हम लोग सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से करेंगे, एकदम मोटिवेटेड रहिए और ढंग से सारे सवालों को करिए, है ना। एक दो प्रश्न नहीं, सारे प्रश्न जितने भी बन सकते थे इस चैप्टर से, हर एक प्रश्न को यहाँ पे लाके आपके सामने रख दिए हैं कि भाई लो आराम से अच्छे ढंग से इन सारे प्रश्नों को ढंग से कर लो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पे हम लोग पहुंचते हैं।
ठीक है। अगला सवाल में अपने पास है, नरेटर नानू काका ड्रॉव अवे टू डीलर्स टू सी ए कार इन डैश, ठीक है। नरेटर और नानू काका जो है गाड़ी को बढ़ाते हुए गए डीलर्स के पास में टू सी ए कार इन डैश, ठीक है। कार्स देखने के लिए गए थे, किसके यहाँ पे गए थे, तो सिक्का ऑटो डीलर के यहाँ पे गए थे गाड़ी को देखने के लिए, ठीक है, बड़ा सा गाड़ी को देखने के लिए। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, हु सेड देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, कौन कहते हैं कि देखो ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं। तो देखो नानू काका 1000 का चेक लिखते हैं, आपको पता है, उसके बाद बोलते हैं धोबी को बुलाओ, ठीक है, धोबी को बुलाओ, धोबी को बुलाया जाता है, धोबी को अपना कोट, ये जो 1000 का है ये जो है चेक लेके, ठीक है, धोबी को दे देते हैं, ठीक है, धोबी को नहीं देते, अपना कोट में रख देते हैं ये चेक को, ठीक है, चेक को अपना ये किस में रख देते हैं, कोट में रख देते हैं, और कोट जो है धोबी को दे देते हैं। धोबी आता है किस कहाँ पे, धोबी आता है गैरेज में, सिक्का ऑटो डीलर में, ठीक है, सिक्का ऑटो डीलर में आता है धोबी, एकदम चेक पकड़े, सर 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 आप अपना कोट में ये 1000 का चेक भूल गए थे, ठीक है, ऐसे करते हुए आता है धोबी, तो वहाँ पे सिक्का ऑटो डीलर सबको लगा कि अरे एकदम बहुत बड़ा आदमी है, देखो 1000 का चेक भूल जाता है, उस समय के लिए 1000 बहुत मायने रखता था, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग 1000 मत लेना, पहले 1000 बहुत मायने रखता था, देखो 1000 रुपया इसी जेबी में छोड़ देता है, कोई भी इसको कैश कर लेगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसको अच्छा खासा जमा, और मतलब वो गाड़ी जो है उसी का ऑटो डीलर से बड़ा सा गाड़ी, मतलब एक तरीके से देखने के लिए ले लिए कि हम खरीदना चाहते हैं, जबकि वो खरीदना वगैरह नहीं चाहते थे, ठीक है, तो ऐसा करके ऐसा करते हैं। तो किसको बोलते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं है, तो ये हु सेड, तो कौन कहते हैं, तो ऐसा कहते हैं नानू काका, किसको कहते हैं, धोबी से, अरे धोबी तुम तो 1000 का चेक लेकर आया, तुम बहुत ईमानदार है, ठीक है, तो यही यहाँ पे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 34 नंबर सवाल पे आइए। 34 नंबर सवाल में क्या है, एज ए रिवार्ड नानू काका गेव ए धोबी डैश रुपीज नोट, जैसे वो 1000 का नोट जो है धोबी जो है नानू काका को दे दिया, नानू काका को दे दिया, नानू काका उसको बोलते हैं ईमानदारी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और उसको 2 रुपया उसको दे देते हैं, 2 रुपया का नोट उसको दे देते हैं, उस समय के लिए 2 रुपया बहुत ज़्यादा होता था, तो धोबी को 2 रुपया का नोट दे देते हैं। चलो 35 नंबर सवाल अपने पास है, नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर्स इन ए केस ऑफ डेथ, नानू काका जो है वेलफेयर मिनिस्टर से कल्याण मंत्री से मिलने गए किस रूप में, ठीक है, किस भेष में, किस भेष में, तो वो गए थे किस भेष में, एस्ट्रोलॉजर के रूप भेष में, ठीक है, ज्योतिषी, ठीक है, क्या होता है ज्योतिषी, ठीक है, ज्योतिषी के भेष में वो गए थे, एस्ट्रोलॉजर के भेष में। आगे बढ़ते हैं, नानू काका केम टू दिल्ली टू मीट सम डैश, नानू काका दिल्ली आते हैं किससे मिलने के लिए, टू मीट डैश टू मीट मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए वो दिल्ली आते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नानू काका वाज ए सपोज टू मीट ए मिनिस्टर्स इन दी डैश, ठीक है, नानू काका कहाँ पे मिलने के लिए जाते हैं, एक तरीके से मिलना एक तरीके से आते हैं, तो नॉर्थ ब्लॉक में, ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक में मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, द स्पीकर पुट ऑन दी वाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बन, ठीक है, स्पीकर जो हैं मनोहर मालवनकर जी है जो हैं वो बेसिकली क्या डालते हैं, ठीक है, जोधपुरी कोट, वाइट जोधपुरी कोट, एकदम पूरा ड्राइवर का भेष ले रहे थे, तो जोधपुरी कोट, वाइट जोधपुरी कोट डालते हैं, और उसके बाद एक तरीके से टर्बन बांधते हैं, पगड़ी, और वो पगड़ी था ऑरेंज कलर का, ठीक है, ऑरेंज कलर का वो पगड़ी बांधते हैं, तो ऑप्शन नंबर अपने पास ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल में अपने पास क्या बोला जा रहा है, 39 नंबर सवाल में, 39 में अपने पास बोला जा रहा है कि नानू काका है टाई ए ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड, नानू काका जो है एक तरीके से है टाइड ए ह्यूज बड़ा सा, ठीक है, मतलब बांधते हैं क्या चीज, टर्बन राउंड हिज हेड, मतलब अपने जो है टर्बन एक तरीके से पगड़ी बांधते हैं, कैसा पगड़ी, तो ऑरेंज, ठीक है, नानू काका खुद भी बांधते हैं ऑरेंज कलर का पगड़ी। नानू काका गेव द मिनिस्टर्स द एड्रेस ऑफ डैश ऑफ द डैश, नानू काका जो है मिनिस्टर्स के जो है जो विजिटर बुक होता है उसमें किसका एड्रेस लिखते हैं, किसका स्थान लिखते हैं रहने का निवास, तो वो नैरेटर का यानी लेखक का लिख देते हैं, क्योंकि नानू काका जो आए थे ना, नानू काका जो आए थे वो नैरेटर के घर पे ही रुके थे, नैरेटर यानी मनोहर मालवनकर जी के घर पे ही वो रुके थे, ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला गया, ऑप्शन और अपने पास ए करेक्ट आंसर। अंगोछा वाज केप्ट बाय डैश, अंगोछा कौन रखते थे, तो नानू काका की आदत था कि वो स्नफ बॉक्स एक रखते थे जिसमें एक तरीके से खैनी वगैरह रहता था, तो वो रखते थे, और वो जब भी खाते थे खैनी और हाथ अपना उस अंगोछा में पोंछ लेते थे। अंगोछा कौन रखते थे, तो नानू काका रखते थे, ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगले सवाल पे आइए, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ फ्री में कौन ट्रेवल किया था, तो देखो नानू काका जो है पहले ये क्या करते हैं, नानू काका
इनके पास थर्ड क्लास का टिकट था, ठीक है, थर्ड क्लास का टिकट था, थर्ड क्लास का, ठीक है, टिकट इनके पास हुआ थर्ड क्लास का। ये चढ़ गए सेकंड क्लास में, ठीक है, ये सेकंड क्लास में बैठ गए। उसके साथ में प्लस में ये एक किटन भी रखे होते, एक बिल्ली का बच्चा भी इनके साथ में फ्री में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलो 43 नंबर सवाल पे आइए। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन डैश, नानू काका किस कहाँ पे रुके थे? तो नानू काका जब घर पे आए थे तो नानू काका के मम्मी जो है नानू काका को कहाँ पे सोने के लिए दे दिए थे कमरा? जो मनोहर मालगुनकर जी जो थे ना, इनका जो कमरा था, इनका कमरा मिल गया नानू काका को, ठीक है, नानू काका को कमरा मिल गया। और बेचारे मनोहर मालगुनकर जी को अपना बरंडा पे जो होता है वहाँ पे अपना बेचारे को मतलब बेड वगैरह लगा के सोना पड़ा था, ठीक है। यहीं पे बोला जा रहा है कि ऑथर्स बेडरूम, ठीक है, जो लेखक, जो मनोहर मालगुनकर जी लेखक हैं, इनका बेडरूम मिल जाता है नानू काका को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दी ऑथर हैड टेकन डैश लीव, ठीक है, ऑथर जो है कितने दिन लीव लेते हैं? माँ बोलती है कि भाई बेटा देखो नानू काका आए हैं महाराष्ट्र से दिल्ली, तो तुम जो है 2 दिन का छुट्टी ले लो, ठीक है। तो ये कितने दिन का छुट्टी लेते हैं? 2 दिन पे। किसके इंस्टेंस पे, मतलब एक तरीके से किसके कहने पे, किसके जोर देने पे? तो मनोहर मालगुनकर जी के माँ के कहने पे, ठीक है, 2 दिन का ये छुट्टी लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नानू काका वाज ऑथर्स डैश, नानू काका जो है ऑथर के क्या है? तो नानू काका जो है आपको पता है कि नानू काका, ठीक है, नानू काका, ठीक है, नानू काका और ऑथर, ठीक है, इस दोनों के बीच में क्या संबंध है? इस दोनों के बीच जो संबंध है क्या है? मामा का संबंध है, मेटरनल अंकल का, ठीक है। तो मेटरनल अंकल का रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास सी आंसर हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले सवाल में अपने पास क्या है, 46 नंबर में, दी ऑथर वाज कम्प्लेक्स अबाउट डेथ, ऑथर जो है बेसिकली कम्प्लेक्स था, ठीक है, किसके बारे में, ठीक है, ऑथर जो है एक तरीके से किसके बारे में, तो मिनिस्टर्स के बारे में बेसिकली कम्प्लेक्स था, एक तरीके से बेचारे को कुछ ठीक नहीं लगता था उस मिनिस्टर मंत्री लोगों के बारे में, ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर अपने पास सवाल है, नानू काका ट्रेवल्ड इन डैश क्लास, नानू काका किस क्लास में ट्रेवल कर रहे थे? तो आपको पता होगा वो सेकंड क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन टिकट उनके पास थर्ड क्लास का था। तो पूछा जा रहा है ट्रेवल, यात्रा जो किए थे वो कौन से क्लास में? थर्ड क्लास में, सॉरी सेकंड क्लास में। तो यहीं पे ऑप्शन नंबर अपने पास बी हो जाएगा आंसर, ठीक है, या फिर इसका आंसर इस प्रकार से भी लिखा रह सकता है सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 48 नंबर है, द ऑथर वाज मेयरली डैश, ऑथर जो है मेयरली मुख्य रूप से वो क्या थे? वो एक अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है, वो एक तरीके से प्रोवेशन पे एक तरीके से बोले तो एक अंडर सेक्रेटरी थे। चलो आगे बढ़ते हैं। द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ए एन डैश ऑन प्रोवेशन, ठीक है, वो एक तरीके से प्रोवेशन पर, एक तरीके से निरीक्षण पे बोले तो ट्रेनिंग पे, प्रोवेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे वो क्या थे? वो एक अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है, वही सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम आपको कितना क्वेश्चंस करवाए हैं, कुल मिला के 49 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन से पॉसिबल हर एक क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो शायद आप कहीं से भी किए होंगे क्लास, आपको इतने सारे क्वेश्चंस तो नहीं बताए गए होंगे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आज आपको करवा दिए। आई होप सो ए पिंच ऑफ स्नफ में सारे क्वेश्चंस आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न है ऑलमोस्ट करवा दिए, सभी प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान में होगा। और आप लोग अभी जाके जो बच्चे नहीं किए हैं ए पिंच ऑफ स्नफ का लाइन वाला क्लास, तो जाइए अच्छे से क्लास कर लीजिए, 1 घंटे का क्लास है, मन लगा के बैठ के पढ़िए और पूरे मस्त तरीके से उसको कंप्लीट करिए। और नीचे हमें कमेंट करके बताइए ये क्लास कैसा लगा। और साथ ही साथ आप हमसे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप डायरेक्टली हमें एजुकेशन बाबा ऐप है, ठीक है, एजुकेशन बाबा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ठीक है, और वहाँ से आप डायरेक्टली घर बैठे अपना पूरा ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन बाबा ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करिए और अपना पूरा तैयारी घर बैठे अच्छे ढंग से करिए, क्लास 12 क्लास 11 का अच्छे ढंग से, ठीक है। सब सब्जेक्ट में आपको अच्छे डिटेल से टीचर रहेंगे पढ़ाने वाले, ठीक है, सब आपको पढ़ाएंगे। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट वगैरह है कोर्स से संबंधित, ठीक है। इस नंबर पे अपना कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पे बात कर लीजिए, आपको सारा डिटेल्स बता देंगे और आप पूरे अच्छे ढंग से हिंदी इंग्लिश का अभी से भी आप लग जाएंगे। अगर अभी से आप डेडिकेटेड हो जाएंगे तो जिस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं उस तरीके से आप पूरे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे अच्छे तरीके से, जिसको बोलते हैं प्रॉपर वे में, और आप रिजल्ट तो देखे होंगे, उस तरीके का रिजल्ट भी आपका रहेगा।
चलिए सर, फी कितना है? तो फी देखो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है आपका। अगर एक सब्जेक्ट अगर आपके कोचिंग में खराब हो रहा है, आप वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और पूरा सारा एक साथ भी ले सकते हैं। तो सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप ऐप डाउनलोड करके खुद ही चेक कर लीजिए या फिर इस नंबर पर बात कर लीजिए, आपको सारा जानकारी दे देंगे हमारी टीम से लोग। ठीक है, चलिए। तो आई होप सो कि आप लोग का सब कुछ अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गया होगा। जैसा भी क्लास लगा हो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर से बताइएगा, ठीक है? और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी नए बच्चे हैं, कौन कौन नए बच्चे हैं जल्दी से एक बार बताओ। तो क्वेश्चन आंसर कब करवाइएगा? इसका क्वेश्चन आंसर मे भी देखो कल या परसों लगभग करवा देंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है, सब्जेक्टिव वाला तो वो भी करवा देंगे। हम सब्जेक्टिव में भी उतना ही एक्टिव रहते हैं, तो सब्जेक्टिव भी उतने अच्छे तरीके से करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव में भी उसी तरीके से, ठीक है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन समरी ये सब कुछ, लेखक परिचय वगैरह ये हर चीज़ अच्छे ढंग से हम करवाते हुए चल रहे हैं। मस्त तरीके से पढ़िए और लगातार ढंग से सिलेबस ख़त्म करिए। तो जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं क्लास से, ठीक है, जिनका मतलब एक तरीके से पहले पहले बार जाने हैं, एक दो दिन क्लास किए हैं लेकिन अभी तक जानते नहीं थे, ठीक है, तो वो सब स्टूडेंट जो है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और एजुकेशन वाई ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप लोग दो काम कर लीजिए, और जितने भी लेक्चर पीछे आप नहीं देख पाए हैं, चैप्टर 1, 2, 3 ये सब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक एक करके जाइए देखिए, ठीक है? चलो तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर आएंगे, शाम 7 बजे आपका फिर से इंतजार रहेगा, है ना? 7 बजे फिर से हम लोग अच्छे ढंग से इसका क्लास करेंगे, अच्छे से आगे कुछ चीज़ों को सीखेंगे जो आपके बोर्ड में काम देगा, ठीक है? चलिए तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय।